सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। और अभी तक जो चल रहे लफड़े, अगर उसके बारे में तुम्हें जो कुछ भी मालूम नहीं तो भर तुम इंटरनेट से थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि भाई अभी जो लफड़े हो रहे हैं उसके बारे में मालूम नहीं रहेगा तो तुम्हें इसके बारे में मालूम रहेगा। तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, अभी जो लफड़े हो रहे उसके बारे में तुम्हें विस्तार से मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें लाइन से समझाता हूँ सब कुछ, एक से एक के बाद एक इंसिडेंट जो होते वो सब कुछ मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, तो फिर लाइक कर देना इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई एजाज खान केरी मिनाटे को सॉरी बुलवाता है, वो भी बंबई में। भाई केरी अपना जाता है, शूट पर गया था, केरी मिनाटे शूट पर था, उसकी वजह से भाई वहाँ पर कहीं से भाई एजाज उसको मिल जाता है, तो वहाँ पर वो सॉरी बुलवाता है केरी मिनाटे से कि भाई तू सॉरी बोल, जो चार साल पहले मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी उसकी वजह से उसके लिए उसको सॉरी बुलवाता है। नहीं होता ना बेटा, उनको ऐसा भी दिखता हमारे जैसा। ये केरी है, केरी मेरे को रोज किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है। बस और उसने कैप्शन लेके नोट डालता है, मैंने प्रॉमिस किया था मेरे बेटे से और मेरे फैन से, आज मैंने पूरा कर दिया, और पठान जान से जा सकता है लेकिन जुबान से नहीं जा सकता। फुल वीडियो कमिंग सून। उसके बाद काफी सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन आ रहे थे, जिसमें एक थे भाई थगेश, लक्ष्य चौधरी, धीरू मोन्चिक, सम्राट भाई, पीपोय, इन सब ने वीडियो बनाई कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और जो भी मल्टीपल स्टॉप थे उसके बारे में उसने उनको बताया। जितने भी यूट्यूबर है सबको बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा तमीज में अच्छे से, अच्छे काम भी कर सकते रहे तुम लोग, धोवा भला भी कर सकते, अच्छे से भी कर सकते हो सब कुछ। हम लोग ऊंची लोग हैं, ऊंची समझेगी नहीं, जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। और जितने भी यूट्यूबर है मेरे बारे में बोलो, मैं तुमको लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। नहीं लाया तो किधर मिलोगे, भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे, जैसे कह नहीं मिला भाई तुम लोग तक नहीं आता हूँ, मेरे तक नहीं आने का। एजाज ने बोला कि जो भाई तुम यूट्यूबर जो मेरे सामने मेरे खिलाफ जो तुम बना रहे हो, तुम सब सावधान रहो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अपोलॉजी वीडियो मतलब जो केरी के साथ हुआ है वो हो सकता है। भाई यूट्यूब को क्या समझ के रखा है इस बंदे ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े टाइम बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, अनएक्सपेक्टेड वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, और वो बंदा आता है अपना रजत दलाल। हाँ वही रजत दलाल जिसने वो अहमदाबाद वाले बच्चे को शायद मारा पीटा था, बुली किया था, वही रजत दलाल। आजाद भाई साहब ने कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाई है। कैरी मेरे छोटे भाई की तरह है। आपने कैरी के बारे में, अब देखो पास्ट में जो चीज डाल दी वो तो ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते। चीज जो आप ये चीज कर रहे हो कि मुंबई आना पड़ेगा करियर के लिए, तो भाई देखो चार बार आए या हम 40 बार आए, आप हो या कोई हो हमारा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। अगर बहुत गर्मी है, लड़ाई झगड़ा करना है, खून उबाल मार रहा है, मान है सम्मान है, एक मैसेज डाल देना, सोशल मीडिया की चीजें साइड में करेंगे, आमने सामने बात। रजत आता है, रजत बोलता है भाई जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, ना तू ऊपर है कानून से, ना मैं ऊपर हूँ कानून से, कानून से कोई ऊपर नहीं है, सबके लिए कानून एक सही है, इसीलिए भाई ठीक तरह से तू भी रहे, ठीक तरह से मैं भी रहूंगा, और ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू ये करना नहीं चाहिए, उसको भाई एक तरह से उसको एक वार्निंग दी। रजत दल के नीचे एक कमेंट आता है, राजू फिटनेस, एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, मगर इनडायरेक्ट, अभी वो एंट्री एक प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं आई है, एक इनडायरेक्ट एंट्री आई है। राजवीर फिटनेस सीरीज बोलता है भाई वो सर पे आन रखने वाला डायलॉग मिसिंग है, वो और आ जाता तो मजे ही आ जाते। जले पे नमक चिड़ा है भाई अपना राजवीर फिटनेस सीरीज, बोल रहा है कि भाई वो सर पे आन रख दूंगा, वो वाला डायलॉग मिसिंग है अभी, अगर वो आ जाता तो भाई मजे ही आ जाते। राजवीर फिटनेस ने इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करता है, लग रहा मैं बदमाश बन गया, अरे आधी उम्र के बालक से माफी मांगवा गए, तो वो बालक दूसरा समझदार, तेरे जैसे के मुंह लगना उसने जरूरी नहीं समझा, दैट्स व्हाई सॉरी बोल दी, और तूने ये सोच लिया कि तू बहुत बड़ा बदमाश बन गया। ये कह रहा भाई सारे यूट्यूबरों को दिल्ली से उठा के यहाँ ले आऊंगा, तू जो तेरी इतनी औकात होगी तू दिल्ली के सारे यूट्यूबरों को उठा के मुंबई ले जाएगा। मैंने बनाई थी तेरे ऊपर 2019 में वीडियो, अभी परसों स्टोरी भी डाली थी, एक काम कर मुझे उठा के ले जा, और ये वीडियो भी बना रहा हूं दोबारा, तेरी गंदा मुझे उठा के ले जाइयो। भाई जो तू बोल रहा है कि सारे यूट्यूबर को उठा लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, तू ये है वो है, तेरी चीज ये है, जो अभी जो सबको टारगेट कर रहा था वो चीज के लिए भाई, और जो अभी केरी के साथ हुआ था उस चीज के लिए भाई अभी स्टैंड लिया राजवीर फिटनेस। अभी एजाज खान को अभी एक वार्निंग दी है राजवीर फिटनेस ने, भाई तू ये कर रहा है जो कर रहा है तू ये छोड़ दे और रहने दे, तू भी रहता है हम भी रहते हैं वो भी रहते हैं सब कुछ है, मगर तू ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। धीरू भाई का एक कमेंट आता है कि बोलता है अरे भैया और लाफिंग इमोजी के साथ, और उसी कमेंट सेक्शन में लक्ष्य चौधरी ने
लक्ष्य ज्योति कमेंट करते हैं, बोलते हैं छोड़ दो भाई, गरीब है भाई बेचारा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो अपने एजाज खान है वो क्लाउड चेसर है, उसके अभी लगे पड़े हैं और अभी वो क्लाउड चेस कर रहा है, यही कहना है भाई अपने लक्ष्य भाई का, कि बोल रहा है अभी गरीब है बेचारा। और आगे जाके एलविस यादव ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली भाई। ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। पकड़ ले भाई, शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था? ज्यादा क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है। तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। भाई को कांटेक्ट भी कर ले, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बन के रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली। चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ, मैसेज कर लेना भाई साहब आपकी जगह पे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये मैटर बहुत बड़ा होता जा रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो, वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप और दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर पहुंच चुका है। अभी एलविस यादव ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली और उसने बोला है कि भाई जो तुमने बोल रहे हो अभी हम मुंबई में है और ये लोकेशन है, चलो तुम मुंबई आने का बोल रहे थे, हम मुंबई आ चुके हैं, चलो अभी ये अपना लोकेशन है और जो करना है वो यहाँ पर आ जाओ। शायद एलविस कोई शूटिंग से गए होंगे और थोड़ी सेकेंड के अंदर उसी रील में एलविस यादव की, उसमें आता है रजत दलाल। मतलब दोनों साथ में थे, एलविस यादव और रजत दलाल दोनों बोलते हैं हम यहाँ पर है, जो करने हो कर ले बचकाने। एलविस यादव वहां पर गए हुए अपना बिग बॉस के शूट के लिए, अभी जो बदनाम को एविक कर दिया है अभी आपने सुना ही होगा, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ मगर अभी मेरे को प्रॉपर लगी ये लगा इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद एजाज खान पर्टिकुलर अपने राजवीर फिटनेस को लेकर एक बोलता है कि जो अभी ये राजवीर बालवीर फिटनेस को कुछ वगैरह वगैरह कुछ बोलता है और उस पर एक वीडियो बनाता है। वो उसका क्या नाम है, एक बालवीर चूसिया दिल्ली का नल्ले बॉडी बिल्डर, तेरी ऐसी मारी जाएगी ना तू जहाँ दिखेगा ना बेटा, तू बोला था ना मेरा नाम ले बालवीर चूसिया, तेरा नया नाम। तो भाई एक वाइल्ड कार्ड ऑफिशियल एंट्री हो जाती है राजवीर फिटनेस की। तो भाई देर आए दुरुस्त आए, चलो बूढ़े नाम तो लिया, कम से कम चाहे बिगाड़ के लिया, राजवीर को बालवीर कह दी ठीक है कोई बात नहीं, बालवीर घुसा देगा तीर और देगा चीर। ठीक है भाई एक रिक्वेस्ट है, भगियो मतलब हम देंगे लोकेशन आके तेरे ही शहर में, छोटे मोटे काम है का दिन के ये निपटा ले, आऊंगा अपडेट करके आऊंगा। और इसमें और वो बोलता है कि भाई मैं आऊंगा और टाइम बता कर आऊंगा, जो मेरा एक दिन का काम है अभी वो मैं काम खत्म करके एक दिन के बाद मैं वहाँ आकर आऊंगा, तेरे को फ्लाइट नंबर बताऊंगा, तेरे को कहाँ उतर रहा हूँ कहाँ लैंड कर रहा हूँ वो सब कुछ बताऊंगा। तो राजू फिटनेस आ जाता है इस कंट्रोवर्सी में, ऐड हो जाता है। तो अभी तक आ चुके हैं एलविस यादव, लक्ष्य चौधरी, धीरू मोंचिक, थगेश, रजत दलाल, अब आया है राजू फिटनेस, छह लोग आ चुके हैं। एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है और जो अपने कोई वो अभी क्या था उनके नाम नहीं मालूम है मुझे, शायद कौन थे, सॉरी भाई ब्रदर आप जो आपका नाम मुझे मालूम नहीं है, सॉरी इसके लिए। शायद से वो नया धुपिया को बॉडी दिखाई थी और वो इम्प्रेस हो गई थी, वो कौन है वो बंदे उसको मालूम नहीं मेरे को। राज भाई एयरपोर्ट में बैठा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ अभी, उसकी एंट्री हुई है भाई, एक पर एक एंट्री हो रही है यहाँ पर और माहौल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप चलता जा रहा है भाई, बहुत गंभीर होने वाला है मामला। अगर इस पे अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री इतनी सारी हुई है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ऐसा थगेश भाई का थगेश भाई बोलते भाई इस बार मेरे को भाईचारा ऑन टॉप नहीं चाहिए, इस बार मेरे को चाहिए भाई कोई लाथा पाई होनी चाहिए, कोई हाथा पाई होनी चाहिए और कोई किसी का सर फोड़ना चाहिए, तभी मेरे को मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ जो भी कर रहे हो सब जारी रखो, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना जरूर जब मिलने जाओगे तो प्लीज। और मेरे को नहीं चाहिए भाईचारा हो इस बार, टॉप नहीं नहीं नहीं, सर फूटे टांग टूटे कुछ तो हो। हाँ ये सब लफड़े करके लोगों को मजा मिलता है, नियॉन मैन को कंटेंट मिलता है, मुझे क्या आराम भी नहीं मिलता है, जैसे वीडियो आधा रिकॉर्ड करूं नया रील आ जाता है, क्या करूं। इसके बाद एक और एक एंट्री होती है जो शायद एंट्री गिलाएगी और नहीं गिलाएगी उसका मालूम मेरे को नहीं है, मगर पूरा चाहे एक पैरोडी वीडियो बनाते हैं आपको मालूम ही है, उसका पैरोडी वीडियो भाई बहुत बढ़िया होता है, तो उसने एक पैरोडी वीडियो बनाई थी आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर। ये कैरी है रणमास्क बता, इसने मेरा करियर रिवाइव किया है, मेरे सारे फैंस इसको थैंक यू बोल दो, चलो फटाफट। कोई नहीं सर आपको फेम मिल गया ना आप खुश रहो।
अरे कैरी तू ऊंची लोग है रे ऊंची, समझा गया बेटा? यही होता है हर बिल में हाथ डालने का, पता नहीं कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ जाए, समझा गया? बाकी एक बिहारी है मेरे पे रोस्ट ला रहा है, वो उसको दिल्ली से लाऊंगा मैं, बम्बे लेके आऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा सबके आगे, समझा गया? चल रहे ऊंची लोग हैं हम लोग ऊंची। उसने पेरोडी वीडियो बनाई तो उस पर एजाज खान का आता है कि भाई अपना वो तू हटा ले अपने बाप को, वो किया है तूने जो किया है, वो उसके वो आता है और एक रील भी डालता है कि मैं उसका बाप हूँ, उसकी मम्मी उसकी गर्लफ्रेंड है। बहुत सारे और बहुत सारे कुत्ते निकल के आ रहे ले, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पुरानी, उसका बेटा भी आ रहा है, वो पूरब झा थोड़ा लिहाज रख बेटा, मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था उसका तो लिहाज रख, ऐसा मत कर बेटा, देख तेरी आंखें मेरे जैसी हल्की हल्की, देखा तू? अरे बेटा ऐसा नहीं करते यार पप्पा के साथ। हाँ पूरब, अभी पूरब झा का कोई आया नहीं है उस पर कोई रिएक्शन, अगर आता है तो मैं आपको बताता रहूंगा। जो मुझे बता रहा है ना अपना पापा और ये वो, भाई जिस उम्र के तुम हो मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता भाई, बहुत बड़े हो तुम, ठीक है? तुम्हारी माँ बहन और इन सब चीज़ों पे मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरा धर्म मेरा ज़मीर ये सब नहीं कहता, ठीक है? इन्जॉय करो भाई, करते रहो। बाकी भाई इतने लोगों के कॉल आ गए कि भाई पूरब भाई कर दो काम, कर दो ये वो पूरी करो, फटने नहीं चाहिए। अबे फटने फुटाने वाली बात ही नहीं है, बात यह है कि जो इंटरनेट पे है वो इंटरनेट तक ही रहे, ठीक है? ये पर्सनल जाने वाली चीज़ें नहीं है। क्या बोलूँ भाई, मेरे को हंसी आ रही है भाई सही में, इस उम्र में नहीं भाई, नहीं शोभा देता, मत करो भाई ये चीज़। जिस उम्र की पूरी कर रहे हो आप उस उम्र में मैं हूँ, तो मैं कितना ब्रूटल और डैंक जा सकता हूँ कमेंट में। हिंदू मुस्लिम चल रहा है भाई, ये चीज़ मत करो, ठीक है? हेटरेट मत फैलाओ, ये चीज़ें मत करो भाई, ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है, लोग नहीं ले रहे एंटरटेनमेंट में, उनको छोड़ो, जिनके बस की नहीं है उनको छोड़ो, वो नहीं ले पाते। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर इस कंट्रोवर्सी में सपोर्ट में है, एलविस यादव, करीम मिनाटी, रजत दलाल और इनके सपोर्ट में है, जैसे कि रुबल धनकर, राजीव सिसोदिया, लक्ष्य चौधरी, पूरव झा, जोगिंदर, थगेश, रचित, धीरू मोंचिक, सलोनी, फुकरा इंसान, युद्धवीर डगर और बहुत सारे यूट्यूबर। अगर मैं सबको गिनने लगूंगा तो 25 से 30 मिनट तक की वीडियो हो सकती है, अगर मैंने सबको बारी बारी से नाम लिया फिर भी 25 से 30 मतलब ऑल यूट्यूब कमेटी है जो अभी केरी मिनाटी और इस वाले इंसिडेंट्स के साथ है। क्लाउन है, जोकर है, जो क्लाउड इकट्ठा करना चाहता है, जो पब्लिक गेन करना चाहता है और इस वजह से पब्लिक को लेकर उसका टेंशन लेकर वो बिग बॉस के आखिरी हफ्ते में या फिर आने वाला जो बिग बॉस का मेन सीजन है उसमें जाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसको इतनी चूल है तो भाई राजवीर सिसोदिया, रजत दलाल, इन्होंने भाई लाइन खोली रखी है भाई, एक बार फ़ोन कर देना जहाँ मिलना हो, 1v1, 1v2 जो भी करना हो आ जाना। और भाई इसी के साथ वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और इसमें कुछ बचा नहीं है, मैं ये वीडियो बना रहा था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था भाई बनाऊँ मैं, मगर फिर भी यार आधा एडिटिंग कर दी तो भाई चलो भाई अभी पूरी करके भाई डाल ही देता हूँ, जो रिस्पॉन्स आए नो आए कुछ मेरे को इतना कुछ नहीं है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बुरा लगा हो तो भाई कमेंट कर देना कौन सा पार्ट आपको बुरा लगा है और एडिटिंग में मेरी कौन सी कमी रह गई है। आज के लिए बस इतना ही, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना एक बार और मैं अपना वीडियो बनाता रहूँगा। नॉर्मली मैं वीडियो बनाता हूँ और एक वीडियो यहाँ पर शो कर रहा होगा, शायद यहाँ पर शो कर रहा होगा, कहीं भी शो कर रहा हो आप उसको देख कर उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इस वीडियो को भाई लाइटली ले और कोई भाई रिलीजन विलीजन इसमें बीच में मत लाना। मैं चाहता हूँ भाई अगर कुछ हो सकता है इसमें, कुछ हो सकता है बॉक्सिंग मैच हो सकता है तो भाई इनके बीच में बॉक्सिंग मैच करवाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई इससे यूट्यूब कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी और बॉक्सिंग कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी और इन सब के जो अभी जो झगड़े चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट भी हो सकते हैं, जो कौन कितने पावर में सब कुछ पता चल जाएगा, कौन कितना दम है किस में कितना दम है वो सब पता चल जाएगा, इस वजह से कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।